देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फ्लोइंग मोलिकुल्स, इस मोलिकुल में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पहले आप समझिए पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी भी पाई बॉन्ड में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर हम बात करें वन पाई बॉन्ड में, तो वन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर इस कंपाउंड को हम देखें, इस कंपाउंड में 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड है, कितना है 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 3 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 बॉन्डेड हैं, तो 2 लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। और ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर होने के वजह से देखिए ये मोलकुल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब एक कंजुगेटेड सिस्टम का अरेंजमेंट दिख रहा है। तो जब भी किसी मोलकुल में कंजुगेटेड सिस्टम का अरेंजमेंट दिखता है तो उस मोलकुल में होता क्या है, जो भी एटम पार्टिसिपेट किए होते हैं तो ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। और कब करते हैं, तो इन सभी एटम के पी ऑर्बिटल जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन पैरेलल पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम बन रही है तो उस कंजुगेटेड सिस्टम बनने से उस मोलकुल के पूरे एटम के पास पी ऑर्बिटल होंगे और वो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और उस पैरेलल पी ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, क्या है, 2 लोन पेयर है, और हम जानते हैं एक ही एटम के पास 2 लोन पेयर होने से 2 p ऑर्बिटल होगा, और 2 p ऑर्बिटल होने से 1 p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और py में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो px और py एक ही एटम पे अगर हो तो ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और पैरेलल ही पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मुझे लेना है तो क्या होगा, यहाँ पे हम 2 ही इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्या है, ये परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है जो कि कंजुगेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ के एक लोन पेयर को हम कंजुगेटेड सिस्टम में कंसीडर करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो 1 लोन पेयर भी क्या होगा, कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट होगा, और 1 लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो कितना होगा हमारा, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और यही हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ऑप्शन अगर सी देखें तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा।